बिहार में विकास का पैमाना सड़कों के चौड़ीकरण और उसके निर्माण से नापा जा रहा है, लेकिन फिर भी बिहार में कई ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहां तक सड़कें आज भी नहीं पहुंची हैं। डेमोक्रेटिक चरखा लगातार अपने कैंपेन मेरे गांव का रास्ता कैंपेन के जरिए लोगों को दिखा रहा है कि किस तरीके से ग्रामीण बिहार आज भी सड़क से अछूता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार बिहार की सड़कों को लेकर ट्वीट करते रहते हैं और साथ में ये जानकारी देते रहते हैं कि उनके कार्यकाल में किस तरीके से सड़कों का निर्माण हुआ है। आज हम लोग देखेंगे कि औरंगाबाद के हसपुरा में किस तरीके से सड़क नहीं होने की वजह से ग्रामीण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बारिश के मौसम में सड़क नहीं मौजूद होने की वजह से लोगों का एक्सीडेंट आए दिन होता है। अभी जिस तरीके से बारिश की संभावना बनी हुई है, ऐसे में आने वाले वक्त में ग्रामीणों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं या बुज़ुर्ग अस्पताल जाते हैं, उन्हें अस्पताल पहुंचने में भी देरी होती है। देखिए औरंगाबाद से अजीत की रिपोर्ट। बताइए क्या समस्या है? समस्या हसपुरा की है, खास करके नरसन रोड, हसपुरा नरसन रोड से लेके देहरा तक ये रोड की समस्या इतनी जर्जर है, ताकि यहाँ से लगभग 40-50 गांव को इस रास्ता को जोड़ता है। उसके बाद मेन लाइन देहरा से लेकर हसपुरा तक रेफरल हॉस्पिटल की समस्या आए दिन, परसों का बात है, परसों यानी स्त्रियों की आना जाना लगा रहता है इस रोड में। इस रोड की जो स्थिति है वो देख सकते हैं, बहुत ही जर्जर, बहुत ही दयनीय। अभी तो कुछ सही है, फिलहाल अगर बरसात आ जाए तो न जाने रोड में एक डेग पैर देना मुश्किल हो जाता है। लोग कैसे आ जाए, भाई मार्केट है, मार्केट कैसे आएगा? और ख़ास करके यहाँ की महिलाओं की समस्या, जो कि हॉस्पिटल बन चुका है मगर रास्ता आने जाने की ही सबसे मुख्य समस्या है। इस पर निजात के लिए मैं कोशिश करूँगा इस चैनल के माध्यम से, ताकि इस रोड की समस्या को जल्दी निदान दिलाया जा सके। सर बताइए क्या समस्या है? देखिए ये समस्या, अभी हम लगभग 4 साल से इस एरिया में रह रहे हैं और ये पूरा औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का ये हसपुरा ब्लॉक मुख्यालय का एक बाजार है हसपुरा, और कहा जाए तो ये हॉस्पिटल के बिल्कुल समीप है और इसी रोड से लोग हॉस्पिटल तक जाते हैं। हम लोग मरीजों के लिए एम्बुलेंस की मांग करते हैं। एम्बुलेंस इसलिए दिया जाता है कि मरीज बेहतर ढंग से इलाज के लिए आ जा सके, मगर जब रोड बढ़िया रहेगा तब तो एम्बुलेंस भी बढ़िया ढंग से आ जा पाएगी। रोड ही जब खराब है तो एम्बुलेंस कभी इधर तकती है, कभी इधर तकती है, जिससे खास तौर से प्रसूति महिलाओं को काफ़ी परेशानियों का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है, जिसका मुख्य कारण ये रोड है। अभी तो गर्मी का मौसम है तो कुछ आप देख रहे हैं कि कुछ गाड़ियाँ चल भी रही हैं, बरसात का जैसा ही मौसम शुरू होता है ना तो पूरा कीचड़ से भर जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि काफ़ी बालू है, बिखरा हुआ है। रोड का आपको पीछे दिखाई नहीं दे रहा होगा, रोड के जगह पर रोड के ऊपर केवल बालू ही बालू दिखाई दे रहा होगा और गड्ढा ही दिखाई दे रहा होगा। तो हम यहाँ के स्थानीय प्रशासन से और यहाँ के लोगों से मांग करते हैं कि इस रोड को जल्द से जल्द बनाया जाए, ताकि स्थानीय लोगों के साथ साथ यहाँ पर के लगभग 20 गांव के लोगों की जो समस्या आज लगभग 4 साल से बनी हुई है, इससे निजात मिल सके। इसके लिए क्या प्रयास कीजिए? प्रयास जारी रहेगा। मैं कुछ हरदम इस बात पे मैं कहता रहता हूँ कि इस समस्या को जल्द से जल्द निजात दिलाया जा सके, ताकि हम तमाम जितने भी ये पब्लिक जनता लोग हैं उसको कम से कम जो कठिनाइयाँ जो झेलना पड़ता है इस रास्ते से आने जाने में, वो झेलना ना पड़े। देखिए हमने इसके पहले भी सोशल मीडिया पे कई बार इस मुद्दे को लेकर के हमने चर्चा की कुछ लोगों से, तो लोगों का कहना है कि ठीक है रोड तो बनेगा, मगर लोग कोई पहल नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से जहां काम पड़ा रहता है वहीं का वहीं पड़ा रहता है। हसपुरा की ये सड़क 50 गांवों को जोड़ती है। इस इलाके के होम्योपैथिक के डॉक्टर जफर इकबाल बताते हैं कि जब मरीजों की स्थिति ज़्यादा ख़राब होती है और एम्बुलेंस की मांग की जाती है, तब अस्पताल नज़दीक होने के बावजूद एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुँच पाता है। ये सड़क अस्पताल के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, जिसके वजह से जर्जर सड़क का सबसे ज़्यादा नुकसान मरीजों को झेलना पड़ता है। यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि उन्होंने कई बार इस सड़क को बनाने के लिए अलग अलग स्तर पर मांग रखी, लेकिन आज तक उनकी मांग
पूरी नहीं हुई। आपको हमारी ये वीडियो रिपोर्ट कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और हमारे Facebook पेज को लाइक ज़रूर करें।